कांग्रेस के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, देश की स्थिति नाजुक है, जिनसे देश को संभालने की उम्मीद है वो वक्त और हालात के मुताबिक संदेश नहीं दे रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं आज देश में तनाव है, चिंता का माहौल है, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र उसी में टिका हुआ होता है, टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। टॉलरेंस जो है वो तो लोकतंत्र देने के रूप में, ऑर्नामेंट के रूप में, वो नहीं है। तो हम कहते हैं बार बार भी प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी ऐसी हो गई आज, वो बात कहते हैं लोगों को वोट देते हैं, डेमोक्रेसी है, चुनाव जीतते हैं। तो जो मुख्यमंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो भी बात करेगा देशवासियों को, संबोधित करेगा, देश सुनेगा। तो क्या प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए कि भाई देश के अंदर भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना रहनी चाहिए और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।